जय जवान जय किसान। जो ये केंद्र सरकार योगी सरकार किसानों पर दबाव बनाकर फोर्स खड़ी कर इस आंदोलन को हटाना चाह रही है, किसान इन फोर्स से डरने वाला नहीं है। किसान खड़ा रहेगा, किसान डटा रहेगा और भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्राध्यक्ष के नाते सभी पदाधिकारी एक्टिव रहे और हर जिले में भारतीय किसान यूनियन बेदी बड़े से बड़ा आंदोलन करेगी और हम इन फोर्स या ये योगी की पुलिस से डरने वाले नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी, भारतीय किसान यूनियन बेदी, यह जो कल लाल किले पर झंडे के साथ घटना हुई है, यह घटना किसान नहीं कर सकता। यह घटना खुद ब खुद भाजपा के लोगों ने की है, क्योंकि बॉर्डर पर 90% किसान के बेटे हैं। हमारे लिए तिरंगा सर्वोपरि है और यह जो घटना हुई है, हम खुद चाहते हैं कि जो ये शरारती तत्वों ने घटना अंजाम दिया है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए। और किसान ऐसी हरकत ना कर सकता था, ना करेगा। किसान जब तक बिल वापस नहीं होंगे, अपने घर वापसी नहीं जाएगा, डटा रहेगा, अड़ा रहेगा। जय जवान जय किसान। आज जो मोदी और योगी सरकार ने किसान को डराने की कोशिश की है, ये किसान डरने वाला नहीं है। और जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हम ना जेल से डरते हैं, ना लाठी डंडे से डरते हैं। हम किसान हैं और देश का 70% किसान आज सड़कों पर है और भारतीय किसान यूनियन बेदी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम किसी सूरत भी किसानों का उत्पीड़न और शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कोई भी आंदोलन करना पड़े, हम उस आंदोलन को करेंगे। दैनिक द टाइम्स में आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक द टाइम्स न्यूज़।